Okay, hi guys. Hello everyone. Great. जल्दी जल्दी इफ एनी वन ऑफ यू इज कोई अपना फ्रेंड है आपका या फिर समबडी यू नो स्टिल आर येट टू ज्वाइन प्लीज कॉल देम get them to join. Okay, so couple of things I wanted to start with. First of all, every one of you, please, आपके पास एक कुछ लिखने के लिए writing material होगा तो वो प्लीज अपने पास रखो. ओके, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी बिट बिट मच, सो प्लीज इफ यू गेट सम राइटिंग मटेरियल टू राइट विद, लिखने के लिए कुछ रखो, बिकॉज इट्स गोना बी वी आर गोना राइटिंग अलोन. पीपीटी तो मिलेगी ऑब्वियसली, बट स्टिल देर आर फ्यू पॉइंट्स मैं मेंशन करूंगा करूंगा, तो इफ इट्स गुड इफ यू राइट देम नाउ, इट विल हेल्प यू रिमेंबर. ओके, मोर फोक्स मोर फोक्स. अभी का सेशन इट्स गोइंग टू बी अबाउट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स होप. वी विल स्टार्ट एट 4:05, 4:23 समथिंग विल स्टार्ट. स्टिल विल स्टार्ट देन, गिव सम मोर टाइम. बाय द वे, आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सको अपना, सो इट्स नॉट कंपल्सरी एनीथिंग, बट इट वुड बी बेट लाइक पता चलता है कि लाइक आई कैन सी दैट इफ यू आर गेटिंग समथिंग और इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग और समथिंग. सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, सम ऑफ यू और ऑल ऑफ यू होपफुली प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, दैट बी ग्रेट. एज ऑलवेज कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क द क्वेश्चन, वी हैव अ टीम स्टैंडिंग बाय. मैं भी कमेंट सेक्शन देखूंगा, वी आई विल आल्सो आंसर इट, एंड इफ नॉट दैट यू हैव क्वेश्चंस लेटर आई विल बी गिविंग यू माय ईमेल आईडी, यू कैन कांटेक्ट मी देयर एनी टाइम यू वांट एंड वी आर वी कैन हैव अ क्रिकेट डिस्कशन. ओके, कम ऑन गाइस, एटलीस्ट कोई तो कैमरा ऑन करो, एटलीस्ट गेटिंग अ गेज ऑफ द क्राउड. हेलो, वेट फॉर थोड़ा और. ओके गाइज, हाउ वॉज द फर्स्ट सेशन, लाइक इफ यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट्स, लाइक फर्स्ट सेशन कैसा था? कुछ कुछ पॉइंट्स तुमको लगे कि उस पर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, या फिर कुछ पॉइंट कुछ लगे कि वो अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए थे, समथिंग लाइक दैट, सो मैंशन द कमेंट्स प्लीज. Okay, great. Guys, you have to ask some questions. Therefore, you have to be some good one. Comments with डालो अपने thoughts फिर ऐसा कुछ, because today I'm gonna understand how much this definitely was for a startup. Yeah. We are not a startup. If that's what you mean, we are not a startup. Okay. Today I'm going to explain you how much pain this small thing can give. Okay, how much pain this small thing can give. You're going to understand it today. Okay. Okay, great, great. Okay, 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 good, good. Sorry. Sir, mat bola yaar. It's weird. Don't be so formal. Okay.
सीनियर्स है तुम्हारे, सर मत बुलाओ, ओके okay? लाइक दूसरे कॉलेज में होगा, यहाँ पर सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीप एक पेन या फिर लिखने का कुछ मटेरियल अपने साथ रखो, इवन तो वी विल बी गिविंग यू पीपीटीज एंड एवरीथिंग एल्स, स्टिल आई आस्क यू टू कैरी सम राइटिंग मटेरियल विद यू, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स बेटर। ओके आई स्टार्ट शेयरिंग प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन। ओके ओके गाइस, सो यप लेट्स ओके रेडी स्टार्ट करें। ओके कूल, सो वी विल बी स्टार्टिंग, सो आज का अपना सेकंड सेशन इज माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर स्टडी। ओके सो ओके सो व्हाट इज अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो कंट्रोलर सेंसर एंड सेंसर स्टडी, देर आर टू टर्म्स हियर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके दो थोड़े से दो लाइक सॉर्ट ऑफ सेम बट डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज, अभी आई विल बी मेंशनिंग इट इन अ वेरी लेमेंस टर्म्स, इज माइक्रो प्रोसेसर, आप अपना इंटेल के चिप समझ लो। ओके और माइक्रो प्रोसेसर को ठीक है, बट आपकी पीसी का कंपैरिजन दे रहा हूँ, बट आप एक माइक्रो कंट्रोलर को कैन कंसिडर द होल आपका पीसी का ये यूनिट रहता पूरा, विच हैज ऑल मेमोरी रैम रोम और सब कुछ, यू कैन कंसिडर दैट एज माइक्रो कंट्रोलर। ओके सो दीज टू टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट क्लियर करो, राइट नाउ इट्स नॉट गोना, इतना कुछ आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा इस सेशन के लिए, बट इट्स गुड टू हैव दैट थिंग इन माइंड। ओके सो ओके सो हाउ आर वी गोना लर्न दिस थिंग, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना अप्रोच ऑन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच रहने वाली हमारी। ओके इट्स नॉट अ करिकुलम नहीं बनाया कि ये ऐसा ऐसा सीखना है। ओके वॉट एवर द होल करिकुलम इज, द होल सेशन इज डिजाइन इन सच ए वे दैट लाइक हाउ आई लर्न, ओके लाइक हाउ आई लर्न फ्रॉम, बिकॉज आई स्टार्टेड विथ नथिंग, आई डेंट नो वट आई डेंट नो वॉज एर एनीथिंग वॉज, एंड हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर एंड हाउ आई मेड अ प्रोजेक्ट विथ इट। ओके so whatever things I learnt in the way will be here in this PPT. okay so after this session hopefully you'll have enough, you'll have a starting point where from where you can go and start and understanding new things. okay because basically you'll literally be starting on with terminology also. okay so we'll be using that. second of all we'll be using something called as an Arduino. okay this is an Arduino. okay this is an original Arduino, you can get a cheaper version from a local made cheaper version also, मिलते हैं, not a big deal. okay and yeah we'll be using Arduino and other sensor which we'll be using today is MPU 6050. okay MPU 6050, we'll be having a closer look at this sensor further ahead. so what does this so this sensor is actually six axis, three axis gyro and three axis accelerometer. I'll be explaining you guys what this whole stuff is in the moving forward. I know this sense, if some of you are familiar with Arduino concept, you know this to start with, this sensor is a bit hard because the sensor is a bit complicated, but you'll understand why I took this sensor in particular. We have other sensors to pressure sensor, which is much simpler, but we'll be focusing on this one. Okay, the session will be divided into two parts. First of all, basics of Arduino. We'll be learning what an Arduino is, what can do, what it can't do. Okay, basic things you need to know to start right away. Okay, second of all, we'll be doing sensor study. Okay, because a lot of people, including me, I didn't know that you can just attach a sensor to one. मुझे ऐसा लगता था बचपन में that I have to just put plug it this whole thing like this and वो चलने लग जाएगा. Okay, it doesn't work like that. There are certain sequences you have to, the certain protocols you have to follow, which we'll be looking forward in. We should be looking into it. Okay, so understanding a microcontroller. What is a microcontroller in general? So microcontrollers are basically a small computer. Okay, इसके अंदर आपके पास एक रैम रोम आती है आपके पास, यू गेट अ रजिस्टर इन दिस, यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम इट, सो दैट आप यू कैन स्टार्ट राइट अवे ऑन दैट. ओके बट दिस ओके एक सेकेंड या दे आर लाइक द ब्रेन ऑफ अ सिस्टम, ओके ब्रेन ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम.
okay, we'll be learning about embedded system also, कि what actually is embedded system, कहाँ पर यूज होते कहाँ नहीं होते. ओके, सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स का क्या काम है, दैट दे वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग अ कार ऑन अ हाईवे. ओके, एंड मेरे कार में पंचर हो गया. ओके, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. ओके, सो एज माई टायर इज पंचर राइट नाउ, आई हैव टू यूज लाइक आई हैव टू स्टेपनी एंड ऑल दिस स्टेप्स टू लिफ्ट माई कार टू चेंज द टायर्स, राइट. ओके, हाउ विल आई कैन डू दैट. ओके, आई विल बी डूइंग दैट, दैट्स नॉट एन इशू. बट आई कैन ऑल्सो यूज अ क्रेन. ओके, और मैं सुपरमैन को भी बुला सकता हूँ टू लिफ्ट द कार. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यू टू. दिस इज स्टेफनी एंड ऑल दिस थिंग आर फॉर अ स्पेसिफिक जॉब टू लिफ्ट द कार. बट सुपरमैन या फिर क्रेन को बुलाना, इट्स लाइक एन ओवर किल. ओके, लिटरली इट्स एन ओवर किल. ओके, इट्स लाइक आप एक बहुत अच्छा इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हो फॉर अ कैलकुलेटर. ओके, डजंट एक्चुअली मेक सेंस. सो दिस इज वॉट दिस इज माइक्रो कंट्रोलर्स आर गुड एट. दे आर गुड एट अ वेरी स्पेसिफिक जॉब. आपको वो एक उतनी ताकत देंगे जितना आपको लगता है एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, और वो आप उसे अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हो टू डू दैट स्पेसिफिक जॉब. सो इट्स नॉट एन ओवर किल. यू डोंट हैव टू पुट एन इंटेल का चिप इन द प्रेशर सेंसर और इन द टेम्परेचर सेंसर, कि आपको उसमें इंटेल का i7 i9 का लिमिटेड एडिशन के चिप लगा दो आप उसके अंदर, जस्ट सो दैट यू कैन गेट सम टेम्परेचर रीडिंग्स. यू डोंट डू दैट. ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आर्डिनो. ओके, सो व्हाट इज आर्डिनो? आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये रहता है, इट्स ओपन सोर्स. लाइक इसलिए यार, देर आर कंपनीज विच मेक आर्डिनो, इवन इफ नॉट लाइसेंस आर्डिनो भी बनते हैं, दे आर एज गुड एज द ओरिजिनल वंस. दे हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट ओपन सोर्स इज पब्लिकली अवेलेबल कोड. ओपन सोर्स कोड जो होता है, इट्स पब्लिकली अवेलेबल रहता है. आप कोई भी आकर उसके उसके अंदर उसका सोर्स कोड चेंज कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू माई नीड्स. ओके, आर्डिनो हैज समथिंग कॉल्ड एज दिस. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वी विल बी लुकिंग एट, उसकी इमेज भी देखेंगे अपन. दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज 16 MHz 8 MHz 328 माइक्रो प्रोसेसर. एज आई सेड, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर विच हैज अ माइक्रो प्रोसेसर. ओके, सो दिस इज वॉट इट इज. एंड ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक 16 MHz इज अ स्पेसिफिकेशन. इट्स द कितना टाइम में एक आप कितना कितने बिट से प्रोसेस कर रहा है एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम. ओके, थर्ड इज ओके, फॉर गाइज हु डोंट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क विद आर्डिनो, यू कैन जस्ट टेल. जिस काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, दिस अ फन फैक्ट फॉर यू. यू कैन जस्ट टेल देम दैट पीपल, लाइक मुझे भी नहीं पता था ये, दैट आर्डिनो इज एक्चुअली नेम ऑफ द बार इन इटली जहाँ पर इसके फाउंडर्स यूज टू मीट. ओके, सो दैट्स लाइक काइंड ऑफ कूल थिंग. यू कैन इट कैन बी अ फन फैक्ट फॉर यू एट अ पार्टी और एनीथिंग, इफ यू गो इन आर्डिनो पार्टीज, इफ सच थिंग एग्जिस्ट. ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो चैप्टर वन, वी विल बी लर्निंग द रिक्वायरमेंट्स. ओके, दिस चैप्टर इज हाउ आई लर्न द प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग. ओके, एनीथिंग लाइक बेसिक बेसिक चीज, आपको कुछ भी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी. तो व्हाट आर दोस थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, वील बी कवरिंग दैट इन द चैप्टर वन. ओके, रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वील नीड आर्डिनो. वेल, ऑफकोर्स यू बी नीडिंग आर्डिनो. डोंट वरी, दिस सेशन के लिए आपको आर्डिनो लेगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर. ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, एलईडी. ओके, इफ यू गेट एन एलईडी, इट्स ग्रेट. बट आर्डिनो में इनबिल्ट एलईडी भी होता है. आई शो देम टू यू. आर्डिनो में यहाँ पर एक इनबिल्ट एलईडी भी होता है, सो दैट यू कैन जस्ट यू नो वर्क विद इट. यू डोंट नीड एक्सटर्नल एलईडी, बट इट्स गुड टू हैव एलईडी केबल्स. अ सेंसर. नाउ इफ यू आर वर्किंग इन एन एम्बेडेड सिस्टम, और इफ यू आर वर्किंग, यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, यू आर गोना रिक्वायर सेंसर. ओके, सो दिस दैट सेंसर राइट नाउ विल बी यूजिंग, एज आई मेंशन, एमपीयू 6050. एमपीयू का फुल फॉर्म है मोशन प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस सेंसर टू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल बी नीडिंग जम्पर केबल्स. ओके, यू विल बी नीडिंग जम्पर केबल्स. दे आर क्वाइट असेंशियल. ओके, डोंट लाइक ऐसा मत करो कि नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ब्लू वाली केबल, या आई विल गोना, सो दिस
This is Arduino to USB cable, which I have here. This cable is Arduino to USB, इसका ऑफिशियल नाम है, बट आई कॉल इट ब्लू वाली केबल बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ लाइक, इससे आप 50 मीटर्स दूर हो तो भी ये केबल आप पहचान जाओगे, इट्स वेरी ब्लू. ओके लेट्स स्टार्ट. सो ओके राइट नाउ आप सब देख रहे होंगे, दिस इज होल चार्ट, ये आपके पास एक इमेज होगी. यू माइट नॉट बी एबल, लाइक इट्स इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी आई वॉज लाइक वॉट इज दिस. ओके डोंट वरी, यू वोंट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हाइल व्हेन यू स्टार्ट विद, फ्यूचर में आपको एडवांस प्रोजेक्ट्स में आपको लग सकता है, बट राइट नाउ यू वोंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स. ओके सो देर आर थ्री थिंग्स व्हिच वन हैज टू नो व्हाइल व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस होल का कांसेप्ट, जब आप पूरा आर्डिनो समझते हो. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस थिंग, इफ यू कैन सी माय, ओके जस्ट वेट, या इफ यू कैन सी माय माउस, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 13 तक पिन्स है. अगेन यहाँ पर यू कैन सी 13 तक पिन्स है. दिस पिन्स आर कॉल्ड एज डिजिटल पिन्स. ओके फ्रॉम 0 to 13 दे आर ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज D0 D1 to D13 डिजिटल पिन्स ऑन द राइट साइड. ये यू कैन सी दीज आर फॉर डिजिटल सिग्नल्स. ओके दीज आर रिटेंडेड डिजिटल सिग्नल्स. Then we have this is analog signal. यहाँ पर analog signals है from 0 A0 to A5. Here we have analog signals. Okay, and here we have the power supply. यहाँ पर आपको Arduino को externally power करना है, फिर Arduino से आपको कोई दूसरा sensor power करना है, तो यहाँ से आप power ले सकते हो. Okay, so some of you are, I know आप थोड़ी लोग यहाँ पर से they are from the school and I don't expect you to know what analog and digital signal is. So we are going to see what analog and digital signal is too. Now imagine if this is a line. Okay, okay, sorry. Okay, this is time. This is voltage. Okay, I'll be considering a signal यहाँ पर, एक voltage के रूप से signal यहाँ पर consider करूँगा. This is the zero. यहाँ पर zero है. Now if you have get now analog signal changes with time. Okay, it changes steadily or rapidly with time, but it always changes. It is never वो same नहीं रहेगा आपको time period के लिए, extended time period के लिए. Okay, so for example you have a sine wave. Okay, or sinusoidal wave or sine wave, or else you can have a large curve. Okay, to greatly illustrate that, what you can do is take your finger. ओके और उस पर आप प्रेस करो. ओके उस पर आप जितना जोर से प्रेस करो. ओके स्लोली स्टार्ट प्रेसिंग इट, आप फर्स्ट स्लो प्रेस करो फिर जोर से प्रेस करते रहो. ओके यू विल सी दैट योर लाइक, आपको ऑब्वियसली थोड़ा पेन होगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपको प्रेशर इंक्रीज फील होगा बिकॉज यू आर ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द प्रेशर. दिस यू कैन इमेजिन इट थ्रू दिस ग्राफ. स्लोली स्लोली आप प्रेशर उसे बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, बट एट द पॉइंट फिर आप उसे कम कर रहे हो. दिस इज योर एनालॉग सिग्नल. ओके व्हेन यू जस्ट प्रेस योर सिग्नल, आपको 0 1 0 1 0 1 कुछ फील आता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज़ यू नो एनालॉग, एनालॉग से नेचर प्रोवाइड्स अस एनालॉग सिग्नल्स. नाउ टेम्परेचर बोलो या फिर एनी सेंसर, इस सेंसर में भी देयर आर वी गेट एनालॉग सिग्नल्स ओनली. सो उस एनालॉग सिग्नल्स वी गेट देम एनालॉग सिग्नल. नेचर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोवाइड्स अस एनालॉग सिग्नल, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल. ओके डिजिटल सिग्नल्स फिर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स आर सिंपल. Okay, or else you can better. Okay, 1 0 1 0 0 1 0. Okay, digital signals. They are in two sets, ones and zeros, ones and zeros. That's why this whole because computers don't understand this analog signals. They understand digital signals. That's why we have to make sure convert them into analog signals into digital signals. That's a another story right now, but we generally this is what computers interact in, analog signals. Sorry, digital signals. Pardon me. Okay. Okay. So catch up again. Right side me you have pins which are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 digital pins which for digital signals. Here we have A0 to A5 analog pins for analog signal. Here we have power. Okay, the power module, the power section.
What is the important of पावर सेक्शन? पावर सेक्शन प्रोवाइड्स द सेंसर, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेंसर है, इसको आप पा, इसको पावर प्रोवाइड करेगा, या फिर देर आर सम अदर सेंसर, इट कैन प्रोवाइड पावर. सो दिस 5 वोल्ट्स, इफ यू कैन अटैच अ वायर टू दिस 5 वोल्ट एंड GND, GND मीन्स ग्राउंड, ओके, GND मीन्स ग्राउंड. इफ यू जस्ट टेक टू वायर्स 5 वोल्ट एंड GND, इट विल एक्ट लाइक 5 वोल्ट विल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव एंड GND विल एक्ट लाइक अ ग्राउंड और नेगेटिव, एंड यू विल हैव अ 5 वोल्ट्स का पावर सप्लाई, लो करंट ऑब्वियसली. ओके, सो दिस इज आर्डिनो, एंड बेसिक द अदर थिंग्स व्हिच आर यूएसबी जैक. सो लुक एट दिस थिंग, द यूएसबी, ओके, द फॉर द यूएसबी कनेक्शन, हियर वी हैव द डिजिटल पिंस, हियर वी हैव द सॉरी, हियर वी हैव द एनालॉग पिंस, एंड हियर वी हैव द पावर सप्लाई. गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, बट जंपर केबल आप अगर आर्डिनो खरीद लो तो प्लीज खरीदो, ओके, प्लीज, बिकॉज यू माइट थिंक कि हाँ इसमें मैं एक वायर अंदर डाल दूंगा ऐसे करके एंड इट विल वर्क. वायर कनेक्ट होंगे नहीं होंगे पता नहीं, कनेक्शन का बहुत इश्यू आता है. सो जंपर केबल्स आर मस्ट, ओके, डोंट बैक ऑफ ऑन जंपर केबल्स, बाय एक्स्ट्रा जंपर केबल्स. दिस इज जंपर केबल, दिस इज मेल टू मेल जंपर केबल, वी हैव मेल टू फीमेल जंपर केबल्स टू. ओके, सो दिस इज द सेंसर, द सेंसर विच वी हैव हियर इज एमपीयू 6050. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग अभी इसके पिन क्या है, एज इट इज इसके बहुत कम पिन है, उनमें से भी अपन बहुत कम पिन अपन कर रहे हैं. इट हैज 8 पिन्स, उसमें से उससे भी अपन विल बी अंडरस्टैंडिंग जस्ट द स्टार्टिंग 4 पिन्स. ओके, फर्स्ट इज VCC. VCC इज द पावर सप्लाई और द पॉजिटिव टर्मिनल फॉर दिस चिप, इसे पावर करेगा इस सेंसर को. ओके, VCC जनरली आई प्रोवाइड 5 वोल्ट्स, जो मैंने पहले मेंशन किया था आपको 5 वोल्ट्स का सप्लाई, वो मैं यहाँ पर देता हूँ. ओके, GND ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्शन, सिंपल एज दैट. ग्राउंड को आप नेगेटिव टर्मिनल भी कंसिडर कर सकते हो. थर्ड वी हैव SCL और सीरियल क्लॉक. ओके, अंडरस्टैंड दिस, SCL मीन्स सीरियल क्लॉक, एंड द फोर्थ वन इज SDA और सीरियल डाटा लाइन. ओके, दीज टू पिन्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दे आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन विद द आर्डिनो. ओके, इसका और इसका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है SCL और SDA पे. ओके, रेस्ट ऑफ द पिन्स XDA, XCL, ADO एंड INT इंटरप्ट पिन, वी वोंट बी अंडरस्टैंडिंग इट हियर. ओके, सो आई टेल यू अबाउट व्हाट दिस चिप डज. ओके, इट्स अ 3 एक्सेस, इट्स अ 3 एक्सेस एक्सेलरोमीटर एंड 3 एक्सेस जायरो. ओके, एक्सेलरोमीटर, लाइक व्हाट इज एन एक्सेलरोमीटर? ओके, एक्सेलरोमीटर जनरली एक्सेलरेशन मेजर करता है. ओके, इफ एनी गाइस रिमेंबर राइट हैंड रूल, ओके, राइट हैंड रूल आपको रिमेंबर होता है. सो कंसिडर दिस, योर इंडेक्स फिंगर एज वाई, योर दिस मिडिल फिंगर एज एन एक्स, एंड योर थंब एज जेड. ओके, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड. ओके, सो नाउ इफ यू मूव दिस फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, इफ यू मूव योर हैंड इन द एक्स डायरेक्शन, ओके, इन द एक्स डायरेक्शन, लाइक ऑन द लेफ्ट साइड, दस योर दिस मिडिल फिंगर इज गोइंग टू, उस मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में देर विल बी एन पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दिस विल इज पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, नेगेटिव एंड इस पीछे नेगेटिव. ओके, सो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो फ्रॉम स्टार्ट टू अ सर्टेन वेलोसिटी जब मैं जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं आई एम एक्सेलरेटिंग, क्योंकि मैं स्टेशनरी से मूव कर रहा हूँ तो एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो मुझे मिडिल फिंगर पर एक्सेलरेशन फील होगा इन द एक्स डायरेक्शन. इफ आई एम मूविंग इट इन द फ्रंट, मुझे सामने वाले बाय डायरेक्शन पे मुझे एक्सेलरेशन फील होगा. आई एम मूविंग इट अप और डाउन, पॉजिटिव और नेगेटिव. अप मूव करूंगा तो मुझे थंब पे एक्सेलरेशन फील होगा, नीचे करूंगा तो इस पे नेगेटिव पे एक्सेलरेशन जाएगा थंब पे. सो दीज आर एक्स एंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर ये एक्सेलरेशन आपका ये फाइंड आउट करता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई हैव टू, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चिप है यहाँ पर, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर एक्स वाई जेड दिए, एक्स एक्स और वाई दिए गए हैं. ओके, सो दिस एरो जो स्ट्रेट एरो है, विच इज दिस स्ट्रेट एरो गिव्स यू द एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऑफ द फॉर दिस चिप, एंड द जेड ऊपर आ रहा है, चिप से बाहर आ रहा है. ओके, दीज आर एक्सेलरोमीटर्स. ओके, बट व्हाट इज देन, व्हाट इज जायरोस्कोप? ओके,
जायरोस्कोप आपका टर्न, आपका योर पिच एंड रोल आपको फाइंड आउट करने में मदद करता है। आज सुबह ऐश्वर्या के सेशन में यू गाइस मस्ट हैव सीन दोस प्लेन। ओके, प्लेन कैसे इट मूव्स इन द फ्रंट, इट योर पिच और रोल उसका सब देखा आपने। ओके, इट टर्न्स, रोल्स अराउंड। ओके, इट मूव्स अप, पिच ऊपर करता है। विल बी लुकिंग एट दैट एग्जाम्पल टू इन दिस सेशन फर्दर अहेड। ओके, सो दिस सेंसर इज अ स्टैंडर्ड सेंसर विच इज एक्चुअली यूज इन योर फोन टू। आपके फोन में भी ये सेंसर लगा हुआ है, आपके फोन में जायरोस्कोप एक्सेलरोमीटर ऑलरेडी है। सो आपका जब आपका फोन समझो ये होता है, व्हेन यू शेक योर फोन, किसके फोन फीचर रहता है, शेक करोगे आप उस फोन को, दैट ऑटोमेटिकली आई डोंट नो किसी को कॉल जाता है, या फिर यू कैन सी द जायरोस्कोप से आपका टेबल स्टेटिक है नहीं वो देख सकते हो। दिस फीचर्स आर प्रेजेंट इन योर फोन, सो दिस लिटिल गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो वील बी अंडरस्टैंडिंग बेसिक 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 प्रोग्रामिंग फॉर दिस। बेसिक प्रोग्राम, द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम यू कैन फाइंड ऑन इन आर्डिनो। ओके, आर्डिनो में ऑलरेडी ये सब प्रोग्राम्स, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्राम्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, आई विल शो यू द लाइब्रेरी। ओके, एग्जाम्पल्स में जाऊँ। ओके, दिस इज हाउ आर्डिनो इंटरफेस लुक्स लाइक। यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। डोंट वरी, राइट ना, बहुत बड़ा दिख रहा होगा तुम लोगों को, बट इट्स दिस वी हैव प्रोग्राम। अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड यू गोना फील दैट इट्स नथिंग। ओके, ओके, फाइल्स में जाऊंगा, एग्जाम्पल्स में यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। ओके, यू डोंट हैव टू लाइक डाउनलोड द सॉफ्टवेयर राइट ना एंड ओपन दिस थिंग। आई एम जस्ट शोइंग यू एज एन एग्जाम्पल राइट नाउ कि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑलरेडी इन आर्डिनो, विच फॉर विच यू कैन जस्ट उनको ऑलरेडी कोड अपलोड कर सकते हो आपके आर्डिनो चिप पे एंड यू कैन जस्ट मूव। बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू प्रोग्राम में आपको सब टाइप करते बैठना नहीं पड़ता बहुत कुछ। ओके, देन वी हैव ब्लिंक प्रोग्राम। दिस ब्लिंक प्रोग्राम मैं अभी बताऊंगा, इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। इन ब्लिंक प्रोग्राम एज आई मेंशन्ड देयर इज एन एलईडी इंटीग्रेटेड इन द आर्डिनो। ओके, अभी यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग कहाँ गया, यहाँ पर दिस, यहाँ पर एक एलईडी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है आर्डिनो पे। वील बी यूजिंग दैट एलईडी टू ब्लिंक इट। ओके, मेरा मिशन स्टेटमेंट है कि मुझे 1 सेकेंड के लिए वो एलईडी ब्लिंक करना है और फिर 1 सेकेंड के लिए उसे उसे ऑन करना है, फिर 1 सेकेंड के लिए उसे ऑफ करना है। एज सिंपल इज दैट। ओके, या सो देर इज इट्स वेरी इजी, आई विल शो यू हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन आर्डिनो सेटअप। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इन वेरी शॉर्ट। ओके, फॉर दोज हु डिडंट हैव अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, आई एम गोना एक्सप्लेन इट लाइक इन अ वेरी वेरी वेग मैन्स वर्ड्स टर्म सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोना क्रिएट अ वॉइड। ओके, वॉइड सेटअप। अभी फॉर एग्जाम्पल एवरी लैंग्वेज के एक मीनिंग रहता है। इफ आई कॉल एक यू हैव लाइब्रेरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बटन बोलूंगा तो आई इमेजिन अ बटन इन दिस इन माई हेड। ओके, अगर मैं एक पेन बोलूंगा तो आई इमेजिन अ पेन इन माई हेड। सेम वे अगर आप एक वॉइड सेटअप बोलोगे सो दिस होल दिस सिस्टम विल मेक अ वॉइड इन साइड। ओके, इट विल मेक अ स्पेस फॉर योर प्रोग्राम टू रन। ओके, उसके बाद द सेकेंड लाइन इज पिन मोड एलईडी बिल्ट इन आउट। ओके, पिन मोड मीन पिन मोड एलईडी बिल्ट इन। दिस स्टेटमेंट सेज पिन मोड इज इट्स सॉर्ट ऑफ, आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक कॉलिंग समवन, कॉलिंग समवन। ओके, एज बिकॉज प्रोग्राम को पता होता है। ओके, प्रोग्राम हैज अ लाइब्रेरी फंक्शंस में उनको दिया गया रहता है दैट पिन मोड मीन्स समथिंग। ओके, दिस थिंग वॉइड सेटअप और वायर एच मीन समथिंग। ओके, कि आप एक वायर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर किसी और से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, सो दीज ऑल थिंग्स आर गिवन। सो दिस विल सो दैट सो दिस इज पिन मोड बिल्ट इन एलईडी। सो यू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू कॉल दैट। ओके, द बिल्ट इन एलईडी जो जो आर्डिनो में है उसे हम आउटपुट फंक्शन बोल के यूज करेंगे। ओके, एज एन आउटपुट फंक्शन। ओके, देन वी गो डाउन एंड इन लूप। फॉर एनी ऑफ यू हु एनी ऑफ यू जिससे उन्होंने अगर प्रोग्रामिंग सीखी होगी, फॉर आपको फॉर लूप क्रिएट करने, आपको एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए यू हैव टू, आपको एक इनफाइनाइट स्टेटमेंट देनी पड़ती है, फिर आपको इसके लाइक द थिंग यू हैव टू राइट कि वो इनफाइनाइट जाए। बट यहाँ पर इन आर्डिनो यू डोंट हैव टू डू दैट। आपका लूप ऑलरेडी आपको इनफाइनाइट, आपको जो इनफाइनाइट लूप देगा ही आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप
इस वॉइड में एक लूप क्रिएट करते हो, लूप विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, फर्स्ट कम्स डिजिटल वायर, ओके सॉरी डिजिटल राइट। ओके यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू राइट ऑन दिस एलईडी दैट दिस एलईडी द बिल्ट इन एलईडी शुड टर्न हाई, हाई मीन्स ऑन। ओके अगेन विल कम ऑन दिस डिजिटल राइट, आई वॉन्ट टू राइट ऑन दिस एलईडी दैट द बिल्ट इन एलईडी जो है ओके इट शुड गो हाई। ओके फिर एज सुन एज इट गोज हाई इट विल कॉज अ डिले इन द स्टेटमेंट। ओके डिले फॉर 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ओके फॉर 1 सेकेंड दिस एलईडी विल देन स्टे ऑन। ओके देन यू गो एंड यू गो फॉर अ डिजिटल राइट स्टेटमेंट, डिजिटल राइट अगेन राइट ऑन दिस एलईडी दैट द बिल्ट इन राइट ऑन दिस बिल्ट इन एलईडी दैट इट शुड गो लो सो दैट एलईडी विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ फॉर हाउ मच 10 सेकेंड सॉरी फॉर 1 सेकेंड एंड दिस होल सिस्टम विल गो ऑन अ लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग ऑन ऑफ होता रहेगा। ओके इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड इट इट्स ओके दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। ओके व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड मोर फॉरवर्ड इज मच मोर इम्पोर्टेंट बट दिस हैज एन इनबिल्ट प्रोग्राम गिवन। ओके नाउ फॉर गाइज फॉर पीपल हु डोंट हैव आर्डुइनो एंड स्टिल वांट टू ट्राई दिस दिस प्रोग्राम्स आई विल बी शेयरिंग अ लिंक आई थिंक बाय टुडे इवनिंग एक साइट की जहां पर इज देयर इज अ वर्चुअल आर्डुइनो एंड यू कैन ट्राई टू प्रोग्राम इट देयर। ओके नेक्स्ट Now this is an important concept. Okay, bus. Okay, bus is a very important concept which will I'm gonna tell you. So bus is what it's like communication. Okay, chapter 3 is bus. It's communication between this thing, the Arduino and the little guy sensor. दोनों के बीच communication करने का is the whole concept of bus. Okay. So what is a bus? So now imagine, okay. Okay. Now imagine you are at your school. Okay, आप स्कूल में हो. Okay, आप स्कूल में हो and you are आपको स्कूल खत्म हो गया और आपको घर पे जाना है. Okay, आप बस में बैठोगे एक. ओके बस में बैठोगे एंड दिस इज द स्ट्रीट. ओके लेट्स लेट्स स्ट्रीट थोड़ी स्ट्रेट. ओके दिस इज अ स्ट्रीट. ओके नाउ हाउ विल द बस ड्राइवर नो या फिर हाउ विल द स्कूल नो कि आप कहाँ पर रहते हो, हाउ विल दे नो? ओके सो फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाउसेस. ओके यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है. ओके यहाँ पर एक घर है. ओके सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देर आर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाउसेस सो हाउ विल the school know कि you आपको किस घर में जाना है. ओके किस घर में आपको ड्रॉप करना है. ओके सो what will you do is आपका एक obviously आप एक एड्रेस दोगे. ओके यू विल गिव एन एड्रेस. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई विल से दैट दैट एड्रेस इज वो एड्रेस इज 110. ओके इसका एड्रेस इज नाउ when आई गो हियर जब मैं बस ट्रेवल करेगी इट विल आस्क कि ये घर का एड्रेस है क्या 110. सो इट विल से नो मेरा घर का एड्रेस इज 100. ओके सो ये घर का एड्रेस इज 100. सो व्हेन द बस रीचेस हियर एंड आस्क इज दिस 110 दिस विल से नो इट्स नॉट 110 इट इज 100. देन द बस विल मूव फॉरवर्ड. ओके देन एज द बस मूव फॉरवर्ड इट विल आस्क दिस थिंग दिस दिस हाउस आपका बस का नंबर लाइक आपका एड्रेस इज 110 सो इट विल से नो माय एड्रेस इज नॉट 110 सो दैट दिस बस इस घर से भी आगे चली जाएगी एंड देन इट फाइनली कम टू दिस हाउस जिसका एड्रेस होगा 110. सो आपको फिर वो डायरेक्टली ये वाले घर में आपको एड्रेस पता चल गया. ओके आपको 110 है आपका एड्रेस सो इट विल ड्रॉप यू टू योर टू द हाउस. ओके आपको आपका एड्रेस के हिसाब से आपके घर में वो छोड़ देगा जिस जो एड्रेस आपने दिया है. Okay, now that this is what is called as I2C protocol. Okay, basically आप एक line में there are multiple sensors. Okay, इसमें school को consider करो as Arduino. Okay, school को एक Arduino consider करो. आपका sensor जो है उसे आप ये आपने अलग अलग sensor लगाए हुए हैं या फिर एक ही sensor लगाया हुआ आपने तो इन दोनों के बीच में communication works like this. या आप यू आर इंफॉर्मेशन जो एक बस से ट्रैवल कर रहा है
टू दिस पर्टिकुलर प्लेस जो है आपका घर, विच यह जो रियल लाइफ में एक सेंसर है. ओके, दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन I2C प्रोटोकॉल. ओके, नाउ यहाँ पर देखा है, सो द मास्टर, व्हाट इज अ मास्टर डिवाइस? द आर्डिनो विल बी कॉल्ड एज अ मास्टर डिवाइस एंड द स्लेव विल बी द चिपसेट और द सेंसर. यहाँ पर दिया हुआ है मास्टर डिवाइस विच इज अगेन रिमेंबर गाइस आ स्कूल. ओके, द स्लेव डिवाइस इज द सेंसर. ओके, सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू दिस एड्रेस. ओके, हाउ दैट कम्युनिकेशन वर्क्स, हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स, वी लुक फॉरवर्ड. एंड यप, SDSCL. SDF क्या था? सीरियल डाटा लाइन. SCL क्या था? सीरियल क्लॉक. वी आर गोना सी व्हाट दैट इज टू. ओके, सो हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज द कम्युनिकेशन वर्क? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ द कम्युनिकेशन वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्टार्ट कंडीशन. आई एक्सप्लेन यू व्हाट द स्टार्ट कंडीशन इज. ओके, एक सेकेंड. ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड. यप, सो दिस इज, सो देर आर टू पिन्स राइट नाउ वी हैव. फर्स्ट इज सीरियल डाटा, सेकेंड इज सीरियल क्लॉक. ओके, नाउ दिस इज अ स्टार्ट कंडीशन. ओके, जस्ट हैव अ लुक हियर, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट, आई विल एक्सप्लेन यू इन इस स्लाइड के बाद एक्सप्लेन करूंगा. जस्ट लुक एट इट हियर. ओके, देन वी कम टू एड्रेस. ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू स्टार्ट कंडीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कम ऑन एड्रेस. ओके, एड्रेस में यू हैव अ 7 बिट का एड्रेस. एज वी मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पर एक 7 बिट का एक एड्रेस दिया हुआ है. राइट, दिस इज एन एड्रेस दिया हुआ है. दिस इज व्हाट वी फर्स्ट, व्हाट द मास्टर सेंड्स फर्स्ट, कि दिस इज द एड्रेस. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज रीड राइट बिट. ओके, इट रीड, एक रीड या फिर राइट की एक बिट होती है विच मास्टर टेल्स, मास्टर बताता है कि अब मुझे इसको रीड करना है, क्या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सेंसर पर है वो मुझे रीड करनी है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसर को देनी है. इन दोनों में से कोई एक यह बताता है. सो रीड और राइट, दिस इज व्हाट आर्डिनो सेट्स, वो 0 और 1 से डिफाइन होता है. ओके, देन वी हैव एन एग्नोलेज बिट. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल गो इन दिस ड्रॉइंग. ओके, यहाँ पर समझो कि अभी यहाँ पर मैं घर पे पहुंच गया. ओके, बट स्कूल को कैसे पता चलेगा, स्कूल को कैसे पता चलेगा कि मैं घर पे पहुंच गया? ओके, इफ एनीबडी इज फेमिलियर विद द टू जनरल प्रॉब्लम, हियर इट इज. हाउ विल द स्कूल नो दैट आई हैव रीच्ड हियर? सो द सेंसर विल सेंड अ बिट, एक बिट एक्नोलेजमेंट बिट सेंड करेगा कि भाई घर से मुझे कॉल आएगा. फिर सेंसर एक एक्नोलेजमेंट बिट स्कूल पे पहुंचाएगा दैट ओके माय सन हैज रीच और माय डॉटर हैज रीच. ओके, सो दिस इज द एक्नोलेजमेंट बिट जो आता है. और उसके बाद आपका 8 बिट का डाटा आता है. ओके, डाटा कैन बी एनीथिंग. डाटा कैन बी फॉर एग्जांपल इस जायरोस्कोप के. ओके, डाटा कैन बी एनीथिंग. डाटा इन दिस पर्टिकुलर सेंस कैन बी दिस थिंग, आपका एक्सेलेरोमीटर, या फिर आपका जायरोस्कोप की वैल्यूज रह सकता है, या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी रह सकता है. ओके, जो जो ये रीड करेगा. ओके, व्हिच दिस विल रीड, आर्डिनो विल रीड. ओके, 8 बिट का डाटा. देन वी हैव एन एक्नॉलेजमेंट बिट जो आता है, एंड द होल प्रोसेस इधर कंटिन्यूज और स्टॉप्स. ओके, सो दिस इज हाउ I2C प्रोटोकॉल वर्क्स. नाउ एज आई मेंशन, सीरियल डाटा एंड सीरियल क्लॉक. सीरियल डाटा इज रिस्पॉन्सिबल कि आपका सब जो डाटा है वो ट्रांसफर करने का काम क्या होता है, सीरियल डाटा लाइन का होता है. देन व्हाट, व्हाई इज क्लॉक देयर? ओके, आई विल एक्सप्लेन. ओके, नाउ इमेजिन यू हैव, और नाउ इमेजिन देयर आर टू पीपल. ओके, दिस इज अ गाय, दिस इज अ गाय. ओके, अभी मुझे आर दे टॉकिंग राइट नाउ? नो, दे आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ. ओके, देन अभी मैं एक रैंडमली अगर मैं कुछ अनाउंस करूंगा तो ये इंसान का ध्यान रहेगा कि नहीं, पता नहीं, और इफ द पर्सन विल लिसन और नॉट, वी डोंट नो. ओके, सो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट स्टार्ट अ क्लॉक. आप यू सिंक दिस एंड दिस टुगेदर कि हाँ भाई, गेटिंग, और एल्स यू कैन यूज एन एनालॉजी हियर, गेटिंग द टू ऑन द सेम पेज. ओके, सो यू स्टार्ट अ क्लॉक हियर, यहाँ पर एक क्लॉक करते हो. ओके, यू स्टार्ट अ क्लॉक, जो दोनों के यहाँ पर एक सेम क्लॉक रहती है. ओके, इट स्टार्ट्स अ क्लॉक. क्लॉक इज नथिंग बट इट्स अ
अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है तो इट्स बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्टेट रहता है, डोंट नीड टू गो दैट, बट इट्स लाइक 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 कंटिन्यूअसली 0 1 0 1 का एक बिट का क्लॉक रहता है. ओके, इट स्टार्ट्स. व्हेन दिस क्लॉक स्टार्ट्स, दिस गाय नो कि ओके नाउ ही इज गोना टॉक, सो आई विल बी रेडी, आई विल बी देयर, आई एम अप, आई एम लिसनिंग. ओके, एज दिस क्लॉक स्टार्ट्स देन दिस गाय विल बी सेंडिंग द डेटा, जो मैंने एड्रेस बोला था ये, उसके बाद एड्रेस भेजेगा, उसके बाद एक्नोलेज रीड राइट बिट एंड एक्नोलेजमेंट भेजेगा. ओके, सो वेट अ सेकंड. यप, इन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लॉक स्टार्ट होता है. हाउ दिस होल प्रोसेस स्टार्ट्स, जब डाटा लाइन इनिशियली 5 वोल्ट्स पर रहती है. इफ यू कैन सी हियर वीसीसी 5 वोल्ट से कनेक्ट करके रखा है इन दोनों चीजों को. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये इट इज एट 5 वोल्ट्स, पर जब भी सीरियल डाटा लाइन ऑफ स्टेट में चली जाएगी, एज सून एज इट गोज इन द ऑफ स्टेट एंड द क्लॉक इज स्टिल इन द ऑन स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्ट कंडीशन. फिर आपको पता चल जाएगा कि ओके स्टार्ट हो गया है. ओके, द सेंसर विल नो कि ओके दिस इज समथिंग हैज स्टार्टेड, आई हैव टू लिसन. सो दिस इज द स्टार्ट कंडीशन. उसके बाद 7 बिट का आपका पूरा एड्रेस, आपका एड्रेस रहेगा. ओके, देन यू कैन कंसिडर स्टार्ट कंडीशन इज क्लॉक, आपके स्कूल के बाहर जाने की बेल रहती है. ओके, आप निकलने की बेल रहती है, जब भी वो आप एक क्लॉक से वो सिंक रहता है ना, कि जब भी क्लॉक आपका समझो 4 बजे आपको स्कूल खत्म होता है, 4 जैसे ही बजे अ बेल विल रिंग. ओके, अ बेल विल रिंग एंड यू नो दैट यू हैव टू गो. द सेम थिंग अप्लाइज हियर, द सेम थिंग अप्लाइज हियर. दिस होल सिस्टम विल स्टार्ट व्हेन वी हैव अ क्लॉक रिंगिंग. The whole thing will start जब आपका डाटा लाइन लो हो जाएगी और आपकी क्लॉक हाई होगी, तब इट इज कॉल्ड स्टार्ट कंडीशन. और इसके एग्जैक्ट अपोजिट विल बी द स्टॉप कंडीशन. की स्टॉप मतलब क्या, दैट ओके दैट वी हैव टू टेक दैट द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्टॉप. अब आपको कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं होने वाला, अभी आपको सुनने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द स्टॉप कंडीशन एट द एंड, दिस होल थिंग इज द स्टॉप कंडीशन. ओके, जनरली व्हाट यू डू इज वीसीसी आई पर्सनली जनरली सब सेंसर्स को मैं 5 वोल्ट्स पे रखता हूँ. सम सेंसर्स डिमांडेड एट 3.3 वोल्ट्स पर अब भी रखते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन समथिंग कॉल्ड एज डाटा शीट व्हिच विल बी गेटिंग ऑन स्टॉप कंडीशन. ओके, इफ यू थॉट आई टू सी इज जस्ट वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स. ओके, देर इज एन एसपीआई प्रोटोकॉल, देर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स एंड देर आर प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो ये सब प्रोटोकॉल्स एवरीथिंग प्लेन से लेकर तो एनीवेयर देर आर प्रोटोकॉल्स विच वी हैव टू फॉलो, देर आर प्रोटोकॉल्स विच दे हैव टू फॉलो. ओके, दिस इज वन ऑफ देम. आई टू सी जनरली इज द बिगनर्स प्रोटोकॉल, बिगनर्स के लिए अच्छा होता है बिकॉज यू कैन कनेक्ट सेंसर्स, आर्डिनो सब कनेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स इजी, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद आई2सी. ओके, सेंसर स्टडी. Okay, so if you think I2C was a difficult thing, no, it's not. I2C is not that difficult. Once you get the hang of it, I2C actually it's very straightforward. But the most what you can say is like frustrating part is sensor study. Okay, why? Because I'll tell you. Okay, so while I was learning all these things, okay, sensors ke mujhe laga connect karenge, data aayega, and we are like cool, everything is great, everything is hunky dory. That does not work like that. What happens is there is something called as data sheets. Okay, these are documents which are long, and when I say long, I kid you not, they are very long. Here we have this the data sheet for this particular sensor. It is 47 pages long. Okay, it consists. So data sheets basically kya hota hai, it is just like It tells you everything about that particular sensor, from इसके size से लेकर तो उसके operating temperature से लेकर तो lots 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 more again सब आपको बता देता है data sheets में. Okay, here we can you can see this will tell you a purpose. आपका literally they start from the purpose कि ये क्यों बनाया है, क्या बनाया है, इसके specs क्या है, ये और क्या क्या कर सकता है. जस्ट ऑन अ साइड नोट, दिस थिंग आल्सो हैज अ टेंपरेचर सेंसर. आई डोंट नो व्हाई बट या इट दे हैव
जनरली एक सेंसर में, इफ यू बाय अ सेंसर, उसके अंदर जनरली एक सेंसर नहीं होते, जनरली एक के दो सेंसर होते, दे ऑलवेज कपल देम। ओके, देन दीज आर लाइक, आई विल बी शेयरिंग दिस, बट द थिंग इज यू वोंट रिक्वायर देम एज मच एज वन माइट थिंक। ओके, आई विल एक्सप्लेन। सो दीज आर डाटा शीट्स आर लाइक प्रीटी बिग थिंग, बट दे टेल यू वॉट जनरली अ सेंसर इज। ओके, आपको सेंसर की हिस्ट्री बताएगा, हाउ टू यूज इट बताएगा, हाउ इट वर्क्स बताएगा। ओके, इफ यू जस्ट रीड द होल 47 पेजेस का आप डॉक्यूमेंट आप रीड करोगे ना, यू विल बी द मास्टर ऑफ द पर्टिकुलर सेंसर। ओके, एनी प्रोजेक्ट यू स्टार्ट, इट इज रिकमेंडेड दैट यू लर्न द होल थिंग फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द यू रीड द होल डाटा शीट और मोस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट्स, आप लाइक पर्पस या फिर ये सब चीजें आप पढ़ो डाटा शीट के, बट वन कैन गो बाय जस्ट बाय ग्लांसिंग अ फ्यू इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देयर टू। सेकेंड इज रजिस्टर्स। ओके, नाउ व्हेन अ सेंसर, अभी सेंसर एक, फॉर एग्जांपल ये सेंसर ने भी नोट किया दैट आई एम गोइंग एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। इफ आई एम गोइंग देयर, हाउ वो सेंसर बताएगा कैसे, कहाँ पर रखेगा वो? ओके, वेयर विल इट कीप द डाटा? ओके, वो डायरेक्ट समझो कि अभी कोई नहीं है, लाइक कोई सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वो रखेगा कहाँ? इट कीप्स कीप्स इट एट समथिंग कॉल्ड एज रजिस्टर्स। ओके, दिस इज अ रजिस्टर मैप। ओके, एज यू कैन सी, यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर थे। रजिस्टर को यू कैन कीप देम एज अलमारी। ओके, अलमीरा, व्हाट एवर यू कॉल इट, अ कबर्ड। यू कैन, सो दैट सेंसर, ओके आई एम एट 2 मीटर्स पर सेकेंड, आई एम गोना टेक दिस डाटा, आई एम गोना कीप इट इन द कबर्ड। नाउ इट इज द मास्टर्स जॉब। What was master again? Master was Arduino. It is a master's job to take the data from this particular register, take it up and use it. अभी मुझे वो डाटा लगेगा, ओके, आई वॉन्ट दिस डाटा, सो इस पर्टिकुलर रजिस्टर से मुझे वो डाटा मिल जाएगा। ओके, सेम वे द रजिस्टर एक्ट लाइक अ टेम्परेरी कबर्ड। राइट नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस पर्टिकुलर पार्ट, सी यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, टेम्परेचर, जायरोस्कोप इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो। ऑल दीज अदर थिंग्स आर व्हेन यू गो वेरी एडवांस इनटू सेंसर तब आपको लगेगा, बट राइट नाउ एट दिस लेवल, एट व्हेन यू स्टार्ट विद इट, यू कैन यूज दिस सेंसर ऑल्सो, दिस रजिस्टर्स ओनली। नाउ वॉट आर रजिस्टर्स, हाउ विल आई एक्सेस सम थिंग्स? सो हियर इज समथिंग विच this all thing might be scaring you. So the simplest thing you have to know right now is you don't code everything in something. Okay, this is very rare in today's world to know code from zero. Starting से आपको code करना is very rare. Okay, so what you do is you start from the examples जो भी Arduino में दिया है या फिर कोई existing structure पे आप इसे देते हो, एक start करते हो, you build upon on some things. Okay, so वहां से you will be using, so from there you can build upon it. ओके, सो रजिस्टर्स रहेंगे, या दिस इज व्हाट रजिस्टर्स लुक लाइक। अभी जो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज व्हाट इन कॉम्प्लिकेटेड वे दे लुक लाइक। डोंट वरी, यू वोंट रिक्वायर इट, आपको जस्ट, आप जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे या फिर वो देखोगे वो प्रोग्राम, देर विल बी एक दो रजिस्टर मेंशन किए हुए रहेंगे कि दिस इज अ रजिस्टर, दिस इज अ रजिस्टर फॉर जायरोस्कोप की एक्स वैल्यू के लिए, तो आपको जायरोस्कोप की एक्स वैल्यू भी देगा। सो जो प्रोग्राम जो भी स्टार्ट करोगे आप, उसमें दिए हुए रहेंगे। ओके, एग्जांपल में भी दिए हुए रहते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रजिस्टर्स दैट मच। बट व्हेन यू गेट इनटू एम्बेडेड सिस्टम्स, व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डाटा शीट्स एंड देन यू हैव टू गेट इनटू द होल निटी ग्रिटी डिटेल्स। ओके, एम्बेडेड सिस्टम्स, सो व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस थिंग्स, व्हाई एम एडवाइज एवरीबॉडी इन दिस सिस्टम राइट नाउ? सो इट्स अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके, नाउ ऐश्वर्या के लास्ट स्लाइड में यू हैव सीन कि उसने एक ये मेंशन किया था, एक ह्यूमन बॉडी और एक प्लेन का, एक दोनों को साइड बाय साइड रखा था, कंपेयर किया था। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मार्ट सेंसर्स इन यूज अराउंड द ऑटोमोबाइल एविएशन इंडस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। स्मार्ट सेंसर्स यूज किए जाते हैं, ओके, जहां पर इट दे आर बेसिकली इट्स एन एम्बेडेड सिस्टम, वहां पर एक सिस्टम लगा हुआ रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक टेम्परेचर है आपके सीट में, फॉर एग्जाम्पल की आपके सीट में लगा हुआ एक टेम्परेचर है कि ओके
this temperature right now we this whole system will take a temperature of a particular seat या फिर एक चेयर उसका टेम्परेचर लेगा या फिर एक कमरे में लगा हुआ एक पर्टिकुलर सेंसर दिस आप एक आर्डिनो से वो कनेक्ट करके या फिर एक माइक्रो कंट्रोलर से वो कनेक्ट करके रख सकते हैं और इट विल कीप ऑन गेटिंग डाटा ना फॉर ऑल दीज थिंग्स यू डोंट रिक्वायर होल पीसी फॉर दैट ओके आप एक लोकल प्रोसेसिंग कर सकते हो ओके आप लोकली सेंसर से डाटा उठा सकते हो माइक्रो कंट्रोलर से अंडरस्टैंड करेगा और फिर वो आपके मेन सिस्टम या फिर पीसी को भेजेगा ओके ओके सो एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम विद सॉफ्टवेयर दैट इज जस्ट डिजाइन टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड फंक्शन इधर एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम और एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ओके ये मैंने लिटरली मैंने फर्स्ट लाइन जो मुझे गूगल सर्च पे मिली मैंने वो डाली है बिकॉज इट वर्क्स इट टेल्स यू व्हाट इट इज ओके स्ट्रेट ऑन द फेस इट टेल्स यू दैट इट एक्ट्स लाइक अ स्मॉल सिस्टम ओके एक छोटा सा सिस्टम का वो काम करता है दैट ओके फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेंसर है ओके कंसिडर सेंसर एज अ टेम्परेचर सेंसर MPU 650 ऑल्सो एक्ट लाइक अ टेम्परेचर सेंसर सो एक टेम्परेचर सेंसर है इट्स वो एक कमरे में लगा हुआ है ओके एंड एक्चुएटर्स को एक्चुएटर के जगह यू कैन कंसिडर देयर एज अ फैन ओके मैं एक फैन कंसिडर करूँ ओके दिस अदर थिंग्स यू कैन जस्ट लुक देम आउट अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है सो वील हैव अ सेंसर सेंसर से आप फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पर आ रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है सेंसर बता रहा है कि ओके जो टेम्परेचर आपने दिया था उससे एक टेम्परेचर मुझे बता रहे कमरे का कि ओके द टेम्परेचर इज राइट नाउ 35 डिग्रीज सो दिस विल टेल द सीपीयू सीपीयू विल बी लाइक ओके सो मुझे कहा गया था कि 30 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर गया तो मुझे पंखा चलाना है सीपीयू अंडरस्टैंड दैट ओके अगर 30 डिग्री से ऊपर गया पंखा चलाना है सो द सीपीयू विल सेंड दिस डाटा टू फैन फैन ऑन करे फैन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली फैन जैसे ही ऑन हुआ पंखा चलेगा कमरा ठंडा होगा दिस होल कमरा ठंडा होगा जैसे सेंसर को पता चला कि ओके अभी सेंसर बोलेगा अभी टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस तब दिस सेंसर विल गिव दिस टेम्परेचर डाटा टू सीपीयू सीपीयू बोले ओके 25 20 डिग्री सेल्सियस नो इश्यूज टेम्परेचर इज लो राइट नाउ लेट्स जस्ट स्विच ऑफ द फैन द होल सिस्टम विल गो ओके और इसका आपको समझो कि आपके मोबाइल और ब्लूटूथ में कहीं भी आपको डाटा मिलता रहेगा फिर इफ यू कनेक्टेड रहेगा सो दिस इज एन एम्बेडेड सिस्टम का कंपोनेंट ओके एक सेपरेट छोटा सा एक सिस्टम लगा हो जो स्पेसिफिक काम कर रहा है आपका ओके इधर दैट काम इंडिपेंडेंटली कर रहा हो किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं ओके लाइक पंखे और सेंसर का या फिर इट इज एक्टिंग लाइक इन ए कोलेबोरेशन विद थाउजेंड्स ऑफ दिस अदर एम्बेडेड सिस्टम टू वर्क इन यूनिसन एम्बेडेड सिस्टम इज राइट नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इट इज यू विल बी लर्निंग वंस यू गेट द हैंग ऑफ दिस वन सेंसर वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेव इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बेडेड सेंसर्स रैंडम चार्ट्स ओके ओके सो वी हैव अ साइकिल राइट नाउ ओके एक देर इज अ साइकिल वेन एवर यू मेक अ प्रोजेक्ट ओके वेन एवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट वी विल ऑलवेज फॉलो दिस पर्टिकुलर साइकिल ओके यहाँ पर यू कैन सी देर आर दिस फोर स्टेजेस प्रोटोटाइप टेस्ट गेट फीडबैक फिक्स डू ओके यू विल बी थिंकिंग ये कॉमन सेंस होता है यो कि व्हाट इज दिस केस कॉमन सेंस है बट एक्चुअली दिस स्टेजेस प्रोटोटाइप के भी देर आर टेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस टेस्ट के भी देर आर टेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस गेटिंग फीडबैक फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके भी टेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस होते हैं फिक्स एंड रीडू के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं राइट नाउ वी आर गोना कॉबल देम अप एंड वी आर गोना अंडरस्टैंड इन फोर फोर सिंपल फेजेस फर्स्ट इज प्रोटोटाइप ओके मुझे एक टेम्परेचर सेंसर बनाना है एक टेम्परेचर मुझे समझना है इस एमपीयू से सो आई विल मेक अ प्रोटोटाइप एक ये बनाऊंगा एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि ओके मुझे इस सेंसर से एक सर्टेन डाटा चाहिए ओके मुझे इस टेम्परेचर मुझे इसके रजिस्टर से मैं बोलूंगा प्रोग्राम में लिखूंगा मुझे द टेम्परेचर वाले रजिस्टर में जाकर मुझे उसका डाटा लेना है आई विल मेक अ प्रोग्राम इन सच अ वे देन आई विल टेस्ट इट ओके इज माई सिस्टम वर्किंग बिकॉज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर बट फिजिकल कनेक्शन के भी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं देन आई विल टेस्ट इफ द सिस्टम इज वर्किंग इन रियल लाइफ देन आई विल गेट अ फीडबैक ओके फीडबैक मेरा क्या ओके दिस इज नॉट वर्किंग ओके या फिर इफ यूर सिस्टम इज अ कॉम्प्लिकेटेड इनफ सिस्टम तो आपको एक स्पेसिफिक उसमें ये आएगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स 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 डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा मुझे वाई डायरेक्शन का जायरोस्कोप की वैल्यू नहीं आ रही वॉट इज द इशू देन आई विल फिक्स एंड रीडू देन आई विल ट्राई टू फिक्स द इशू एंड देन आई विल रीडू द होल प्रोसेस आई विल मेक अनदर प्रोटोटाइप ओके आई विल अगेन टेस्ट इट आई विल गेट फीडबैक एंड दिस थिंग
you have to don't underestimate the power of this process, because right now I'll give you a very very simple example of this system. As many of you are aerospace engineers right now, want to be aerospace engineers, I'll give you a simple example for this. Starship, okay, मस भाई अपने स्टारशिप ये बना रहे हैं, ओके, ही इज आल्सो अप्लाइंग दिस वेरी सिंपल फीडबैक. ओके, जस्ट उसके एक इसमें इज गेटिंग फीडबैक में एक इट्स अ लर्निंग पार्ट. ही द कंपनी लर्न्स. ओके, दे मेक SN1, दे टेस्ट SN1, SN1 ब्लास्ट होता है, दे गेट फीडबैक क्यू ब्लास्ट हुआ, दे फिक्स द फिक्स टू फिक्स अनदर थिंग, मेक्स SN2. ओके, देन वो SN2 वापस उसको कुछ इट्स जंप्स अप और इट ब्लास्ट अप, कुछ ना कुछ होता है, गेट फीडबैक एंड दिस थिंग. दिस इज हाउ एक्चुअल स्टारशिप इज ऑल्सो वर्किंग. सेम प्रिंसिपल विच यू यूज फॉर स्मॉल लिटिल प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल जिसपे एक स्पेसशिप बनती है. ओके, देन आई टेल यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल डायग्राम. ओके, नाउ एक्सेस. ओके, ओके, दिस इज अ बिट साइड टॉपिक, बट आप जब भी कुछ एक प्रोजेक्ट बनाते हो या वॉट एवर यू आर मेकिंग, मेक श्योर दैट यू गिव अ गुड एक्सेस, और यू आर एबल टू विजुअली रिप्रेजेंट इट, और यू आर एबल टू टेल देम हाउ इट वर्क्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दिस थिंग एज अ एक्सेलरोमीटर ऑफ ए जायरोस्कोप है एंड इट थिंग्स वर्क समथिंग लाइक दैट, यू बी लाइक ओके कूल, देन वॉट, लाइक पीपल वोंट अंडरस्टैंड और यू वोंट अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई एम गोना डेमोन्स्ट्रेट अ स्मॉल एग्जाम्पल टू यू हियर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. दीज आर द इश्यूज फॉर लाइव एग्जाम्पल्स, बिकॉज आप ऑफ ऑफ द स्टेज करते हो, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग हंकी डोरी, एंड देन जनरली ऑन द स्टेज करने का ट्राई करते हो, सम और द अदर थिंग मैसेज अप, मोस्ट प्रोबेबली. ओ ओके, या गॉट इट. एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट योर मिस्टेक इज, यू विल बी लाइक दैट वाज अ सिली मिस्टेक. By the way, this is a program of particular the computer which I've built, and this is just a part of this program. This is like a, I don't know, thousands of lines of code yahan par hai. It's like like there are multiple codes which I've combined. Uploading. Uploading done. कितना भी कुछ बोलो, जब भी आपको फाइनली काम करने लगता है ना, कितनी बार भी आपने इससे पहले किया है, इट जस्ट मेक्स अ डे. ओके, सी मी टर्निंग दिस सिस्टम, ओके, मी टर्निंग दिस सिस्टम इज मेकिंग द होल प्लेन, द 3D प्लेन विच इज इन माय पीसी राइट नाउ, चेंज इट्स शेप, उसका ओरिएंटेशन चेंज करने को लगा है. ओके, सी, सो दिस इज वॉट, दिस इज माई एम्बेडेड सिस्टम. ओके, सेम वे आई टू सी प्रोटोकॉल लगाया है एंड अ फ्यू फीडबैक सिस्टम्स, एंड दिस इज वॉट आई गेट. ओके, या आई एम एन एयर हेड, या सो
This is supposed to represent a plane, and yeah, cool, right? So why did I show you this as particular example is because आपको राइट नाउ अभी मैंने जब आपको बताया दैट दिस पर्टिकुलर सेंसर इज ऐसा कुछ तो भी सेंसर है ये ऐसे एक्स और वाई डायरेक्शन में जायरोस्कोप पे करता है. ओके यू ओके ठीक है यू कैन थिंक ओके एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जायरोस्कोप मिलेगा बट रिप्रेजेंटिंग इन विजुअल एड विल गिव पीपल एक्सेस विल टेल पीपल कि ओके यू कैन एबल टू इंटीग्रेट इट इन अदर थिंग्स ऑल्सो. राइट नाउ अगर मुझे समझो राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू बिल्ड एट दिस थिंग. किसी ने अगर गूगल का रेडार सिस्टम देखा होगा इस फोन पे लगा हुआ इसी के रिलेटिव्स अगर यूएसए आएंगे तो इफ यू मूव योर हैंड्स इट टेक्स अ जेस्चर कंट्रोल या समथिंग व्हिच यू कॉल्ड अ जेस्चर कंट्रोल. आई प्लान टू बिल्ड दैट टू. सो एक इंटीग्रेशन रहता है आपके पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सिस्टम में. ओके ये सामने वाले को विजुअली समझता भी है और आपको उसका एक एग्जाम्पल भी देते आता है दैट हाउ डज योर प्रोजेक्ट वर्क. सो मेक श्योर यू हैव सच थिंग्स रेडी. ओके yeah, the last and not the last and not the least part of this is explore. Okay, there are gonna come lots and lots of projects which you are gonna be able to do right now. Okay, there are gonna come lots and lots of other things also which you will be able to see as problems. Okay, there are lots and lots of problems around you. Okay, maybe abhi, for example, for me, turning the light off on my building in my house. When I am just on the bed सोने का ट्राई कर रहा हूँ और लाइट ऑफ करना भूल गया तो इट्स अ पेन फॉर मी टू गेट अप. व्हाट आई डिड इज लाइक आई हैव मेड अ सिस्टम जहां पर आई जस्ट कैन क्लैप और आई जस्ट कैन मेरे गूगल असिस्टेंट से आई कैन स्विच ऑफ द होल शट डाउन द होल अपार्टमेंट. सो दैट्स समथिंग कूल सिस्टम. सो ओके टेक थिंग्स एज चैलेंजेस. ओके अगर मैं आलस बन रहा हूँ मुझे कुछ करना है तो टेक दिस थिंग एज चैलेंज एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन इंजीनियस वेज. ओके प्रॉब्लम्स को एंजॉय करो सॉल्व करना इंस्टेड ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशंस राइट. ओके इफ यू ट्राई टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स देयर आर वर्ल्ड इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स. ओके एंड यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. सो या दिस इज मोस्टली सेशन. आई थिंक वी हैव एंडेड अप राइट इन टाइम. चलो थैंक यू ऑल. आई एम गोना मेंशन राइट नाउ माय ईमेल आईडी. ओके राइट नाउ दिस सेशन हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो टू अंडरस्टैंड द सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट अगर किसी को ये लगेगा अगर किसी को समझो ये एक एक्स्ट्रा सेशन लग रहा है और डिटेल में आपको जाना है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. वी कैन गेट टू इट. वी कैन गेट इन सम एक्स्ट्रा बिल्ट इन एंड वेरी हार्ड कोर सेशन विच विल इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. ओके सो एनी ओके आई जस्ट लुक एट द कमेंट सेक्शन. Yes, they are following logic conditions. Soldering gets gruesome. Yes, soldering gets gruesome after a point. Generally, 3.3 या फिर 5 वोल्ट्स रखते हैं बिकॉज दैट्स अ स्टैंडर्ड अराउंड हियर. ओके यस लॉजिक इज फॉलोड. पीपीटीज योर लर्निंग सोर्सेस प्लीज. ओके श्योर श्योर एवरीथिंग विल बी मेंशनड इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू. हियर माई लर्निंग सोर्स इज लिटरली आर्डिनो की साइट एंड दिस डाटा शीट्स. यू 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 गॉट टू रीड डाटा शीट्स एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. ओके एंड आई एम गोना मेंशन माई ईमेल आईडी रियल क्विक. If you guys have anything, if you want to share anything, या फिर कुछ आपको और डिटेल लग रहा है, या फिर if you want another session which goes much into detail, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके ही रिलेटेड, you can ask me. I know आज का सेशन like this session was a bit much, there was a lot of things going on in here, but yeah, any questions you guys have, you can put forward here. Anything you want me to cover again, as we have थोड़ा टाइम है अपने पास, we can cover a certain points again if you want me to cover them. Any questions or anything? Anyone? Solid motors. Okay, are you talking about solid rocket motors? Thanks, Riddhi. Okay. Solid rocket motors अभी तो मेरे पास नहीं है बट
pretty much 5 kilos of potassium nitrate lying around, which is enough to blow up my house. Don't tell this to anyone. Generally, I don't keep these motors lying around because lots of things affect KNO3 की को अफेक्ट करते. फॉर एग्जाम्पल, मेरा KNO3 अभी लिटरली प्लास्टिक के बैग में सील्ड है. इसका टाइट भी लगाया है, इसको टेप भी लगा कर रखी है. ओके, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एनी ह्यूमिड वाटर, इट रुइंस योर प्रोडक्ट. सॉलिड रॉकेट मोटर्स वी हैव अवेलेबल. अच्छा गाइस, इफ यू वांट टू सी द सॉलिड रॉकेट मोटर्स, आई थिंक आई विल बी एबल टू शो यू टुमारो मॉर्निंग वाला सेशन में. जस्ट रिमाइंड मी, आई विल शो यू टुमारो मॉर्निंग. ओके, या This guy is building solid rocket. Yeah, and यानी जस्ट रिमाइंड मी टुमारो मॉर्निंग. and okay, so this is one of the systems. Right now, the जो भी system तुम लोगों ने देखा, this thing is fully 3D printed flight computer mounts and other stuff too. Okay, this is a fully 3D printed computer. This flight computer for RC rocket, which includes the thrust vectoring system too. But yeah, this includes this fully 3D printed thrust vectoring systems too. Okay, ये अगर किसी को किसने BPS space देखा होगा तो वहाँ पर that guy has built. We have built it here too, and much cheaper from that. And yeah, we have this that system too. Okay, any other questions? If you want a session understanding the flight computer system, it's gonna be a long. But if you can request me on the email, we can also make that happen. So that system will occur. It will encompass everything you need for a computer of automated, completely automated hands off system. Anything else? Any other questions? ओके, सच में कुछ नहीं. ओके, डिड यू गेट द होल थिंग? या ओके, कूल. चलो देन, कुछ भी नहीं है ना अभी. सो ओके, लेट्स गेट टू कल की. कल का सेशन हमारा विल बी हैंडल्ड बाय निशिता. शी इज आवर सीनियर एंड शी हैज will be taking UAVs के बारे में, UAV के applications के बारे में, and she's gonna clear some very good misconceptions also. When we start, we don't have pretty idea. We take अभी few assumptions अपन करते हैं, which is obvious people do, and to get you rid of those assumptions, Nishita is gonna work, and I hope you guys like her session too. So let's end this. Rohan, खत्म करें. जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुड यू प्लीज स्विच ऑन योर कैम्स, हमको एक स्क्रीनशॉट लेना है. यप यप, एक स्क्रीनशॉट लेना है. एंड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी इज गुड, सी लैंग्वेज इज गुड. एनीवे, वन मोर थिंग, द होल प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर होल जो ये था ना, वो मूव करने वाला ओरिएंटेशन वाला जो विजुअल देखा, आई विल बी सेंडिंग इट ओवर दैट टू. ओके, ऑल यू विल हैव टू डू इज वो प्रोग्राम आपको रन करना पड़ेगा, एंड द होल सिस्टम विल बी रेडी फॉर यू. सो आई विल बी सेंडिंग द प्रोग्राम्स टू. ओके गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. गाइस कम ऑन मैन, डोंट बी शाय. विनीत प्रिंट कर ले स्क्रीन. थैंक यू सो मच. सो मच गाइस, ऐसे और भी अच्छे सेशंस विल बी कंडक्टिंग. एंड या पाइथन भी, सी पाइथन इज राइट नाउ इन डिमांड. आप पाइथन के लिए यू कैन गो फॉर पाइथन. विल बी ये अपना कौन सा था, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो क्या था उसका,
दिस समथिंग आई आई इट्स ऑन टॉप ऑफ माई हेड, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मेरे पास भी है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो करके है, विच चीज कैन बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग ऑल्सो। इट विल हेल्प यू, यू कैन डायरेक्टली गेट गिटहब से, आप आपका पूरा प्रोग्राम वहां से डायरेक्टली आप यहाँ पर आउट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट टू। सो यू कैन ट्राई दैट। प्रोग्रामिंग मुझे भी पसंद नहीं थी, बट टर्न्स आउट इट्स प्रीटी फन। ओके, हो गया। नो, फ्यूजन 360 इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। ओके रोहन, अपना, या बाय द वे, यस जस्ट फॉर एवरीबडी, वी आर स्पॉन्सर्ड बाय सॉलिड वर्क्स। या द सॉलिड वर्क, या एग्जैक्टली। हाँ गाइस, इफ यू पार्टिसिपेट इन सच कंपटीशन जो ऐसे ही ये करता है, कंडक्ट करता है, सो यू जस्ट नीड टू राइट एन ईमेल टू सॉलिड वर्क्स, दे विल प्रोवाइड यू विद उनका सब्सक्रिप्शन। वो एक पैकेज, इट्स कॉस्ट लाइक 2 लाख, 1.5 लाख का वो एक होता है सॉफ्टवेयर, बट अगर आप पार्टिसिपेट वगैरह करें तो दे विल प्रोवाइड यू फ्री लाइसेंस सॉलिड वर्क्स। ओके फॉर गाइस जिसे निकलना है, दे कैन, आई विल बी ओके। मुझे थोड़े कमेंट्स आ रहे हैं, आई विल रीड देम, एंड आज का अपन थर्ड सेकंड सेशन अभी कंक्लूड करते हैं। प्लीज इंक्लूड एरोस्पाइक्स इन साईफाई सेक्शन इन फ्यूचर सेशंस। ओके हाँ सो एरोस्पाइक्स आर नॉट साईफाई। पॉइंट वन, सिम्यूलिंक वी कैन, यू डोंट नो क्या क्या रहेगा। ओके वी आर गोना हैव सम कूल कॉन्सेप्ट्स। एरोस्पाइक्स, एरोस्पाइक्स एक्चुअली आई थिंक वी आर गोइंग टू बिल्ड एरोस्पाइक दिस ईयर। एरोस्पाइक का एक सॉलिड रॉकेट के लिए एरोस्पाइक इंजिन, एरोस्पाइक नोजल बनाने वाले हैं आई थिंक। या इट्स इट फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज द जनरली टेम्परेचर वोंट बी दैट हाई। द टिप पे बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर, बट पूरे इस पे वील बी एबल टू मैनेज। जरूरत नहीं है। सी द पॉइंट बीइंग दैट एरोस्पाइक्स आर राइट नाउ इट दे आर ओनली गुड फॉर सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट रॉकेट्स। द रॉकेट जो अर्थ से स्पेस तक एक ही स्टेज में जाते हैं। ओके राइट नाउ वी कैसे स्टेज सेपरेशन देखते हैं वैसे, बट दिस होल सिस्टम सॉलिड एरोस्पाइक्स आर गुड फॉर, आप एक ग्राउंड आप इससे जमीन से डायरेक्ट आसमान में पूरा रॉकेट ही लेकर जा रहे हो, तब आपके एरोस्पाइक्स आपके काम आएंगे। बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का निगेटिव जो रहता है उसे वो हेलो हेलो हाँ हाँ मनन, कंटिन्यू कंटिन्यू। सॉरी, मेरा आई एम लोडिंग नेट कनेक्शन। ओके और कुछ मैसेज आया था, रुको। या नॉट प्रैक्टिकल फॉर सॉलिड रॉकेट्स, बट वी स्टिल कैन, सो वी डू। प्रैक्टिकल होना